बेरोजगारी के मामले को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बीती रात्रि काली 9:09 पर कैंडल जलाया, फ्लैश लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाया और बेरोजगारी दूर करने की मांग किया। साथ ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों की भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आइए सुनते हैं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। जवाहर टोले में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने युवा मांगे रोजगार, मोदी हटाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ 9 सितंबर की रात 9:09 पर रोजगार के लिए मोमबत्ती जलाकर आह्वान किया गया और सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी की गई और कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदाता इसका जवाब अवश्य देंगे। विश्वासघात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। तमाम नौजवानों को 10,000 रुपया के वादा खिलाफ ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आप छटनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देश के निजीकरण। आज राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के द्वारा और इस मुहिम में हमारे कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज समर्थन दिया है और ये मुहिम कोई जादू टोना टोकता के लिए नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक व्यूमर फैलाया कि कोरोना वायरस से दिया जलाने से, थाली बजाने से और ये टॉर्च जलाने से कोरोना वायरस भाग जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोग ये मुहिम चला रहे थे उन्हीं को ज़्यादातर कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना आज 90,000 पार कर गया प्रतिदिन। ये कैसा हाल है, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन में, -2.3 चल रहा हमारा देश का GDP। आखिर सरकार कहाँ सोई है, युवाओं का 6 साल लॉस हो गया। जो युवा SSC ग्रुप डी और ये स्टेट वाला जो एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार सरकार का, मैं मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि हमने स्टेट का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने आप रद्द कर दिया, किस आधार पर रद्द किया, और आप फिर से एग्ज़ाम कल से ले रहे हैं, 9 सितंबर से, 10 सितंबर से। ये तो बिल्कुल युवाओं के लिए एकदम झलासा देने वाला काम है। बेरोजगारी का आलम यह है कि बिहार में आज 40 लाख लोग बाहर से आए थे। हमारी मांग ये है कि बिहार सरकार तमाम रिक्त पदे जो भरे हैं, जो भी रिक्त है, 10 लाख कम से कम, हमको लगता है कि बिहार में ऐसे 10 लाख पद हैं जो खाली पड़े हैं, उन सारे पदों पर बहाली तत्काल करें। अभी तो खैर चुनाव होने वाले हैं। बेरोजगारी का मामला है और पूरे देश के अंदर आज पूरे देश के छात्र नौजवान रोजगार के सवाल पे, निजीकरण के खिलाफ 9 सितंबर को 9:09 तक आज कैंडल जला के, मोबाइल का फ्लैश जला के, सांकेतिक रूप से इस देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप देश के अंदर रोजगार दीजिए। आप जो विभिन्न मुद्दों को ले आके और रोजगार का जो सवाल आप बंद किए हुए हैं, आप लॉकडाउन के बहाने रेलवे को बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, जो है कि नहीं बिहार पुलिस का निजीकरण करने के दिशा में है, उनको ज़बरदस्ती रिटायर करा रहे हैं। बिहार में जूनियर इंजीनियरों की बहाली नहीं हुई है। रेलवे में NTPC ग्रुप भी बहुत सारे को फार्म भरा के 2018 से है और अभी तक उसको परीक्षा नहीं लिया गया। जिनका परीक्षा लिया गया उनका जो है कि अभी तक जो है कि नहीं ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। पूरे देश के करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप हर साल करोड़ों करोड़ लोगों को छटनी कर रहे हैं। अडानी अंबानी के हाथों देश बेच रहे हैं। इसको हिंदुस्तान के युवा किसी भी